आप ऑफिस से मीटिंग भी जल्दी खत्म करके मेरे लिए आ गए। आप भी तो जल्दी आ गई। मुझसे ये टाइम बीत ही नहीं रहा था, आपकी बहुत याद आ रही थी। प्यारे लाल जी कुछ कहिए ना। मैं ये कह रहा था कि सर ऑर्डर प्लीज। प्यारे लाल जी आप ऑर्डर कीजिए ना। हे भगवान, अभी तो इतना हैवी पिज्जा खाया है, फिर से खाना पड़ेगा। मैंने अभी ऑफिस में हैवी नाश्ता किया है, आप ऑर्डर दीजिए। आप क्या लेंगी? अच्छा यहाँ की फेमस डिश क्या है? वेज चीज पिज्जा मैम। ओके, तो वन वेज चीज पिज्जा और वन ब्लू लगून मोहितो विद एक्स्ट्रा स्ट्रो, राइट? हाँ ये सही रहेगा। ओके ओके जी। सपना जी, आपके घर पे ठीक से बात हो नहीं पाई, मुझे अचानक तूफान एक्सप्रेस भी जाना पड़ा था। एक्चुअली मैं आपसे इसलिए मिलना चाह रहा था ताकि मैं आपके बारे में और अच्छी तरह से जान सकूं, ताकि मुझे निर्णय लेने में आसानी हो। निर्णय? कैसा निर्णय? मेरा मतलब है आपकी पसंद नापसंद के बारे में जान लूंगा तो आपको कैसे खुश रखूं इसका पता चलेगा ना। ओह अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। वैसे मुझे पता है कि आप मुझे हमेशा खुश रखेंगे। वैसे मेरा भी यही मानना है कि शादी से पहले अगर हम एक दूसरे को जान लेंगे तो शादी के बाद लाइफ विल बी मोर ब्यूटीफुल। मुझे तो अभी से लगने लगा है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। एक्सक्यूज मी सर। वहां रखो। ओके थैंक यू, लीजिए ना प्लीज। सपना जी तो मुझसे इमोशनली जुड़ गई है, इन्हें ना कहा तो इनका दिल टूट जाएगा, और कल्पना जी मुझसे ऐसे ही जुड़ी है। ये भगवान क्या होगा मेरा। नहीं नहीं नहीं, आप लीजिए आप लीजिए। नहीं नहीं तो आपको लेना ही पड़ेगा। अरे ओके लीजिए ना, आप भी लीजिए ना। कोमल भाभी आप 1:30 बज रहे हैं, मैं प्यारे भाई को फोन करती हूँ। हाँ अंजलि भाभी स्पीकर पे रखती हूँ। बोलो कल्पना। एडिटर सर ने कहा है कि आप तुरंत ऑफिस आ जाइए। क्यों? अभी तो मीटिंग की। आपके दिल्ली से जो बॉस आए हैं ना उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और उन्होंने दूसरी अर्जेंट मीटिंग रखी है जिसमें आपको बुलाया है, तो आप जल्दी आ जाइए। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। ठीक है आप नहीं आ सकते तो एडिटर सर ने कहा है कि आप अपना रेजिग्नेशन भेज दीजिए, बाय। क्या? देखिए प्यारे लाल, एडिटर सर ने कहा है कि कल्पना और प्यारे लाल का मीटिंग में होना बहुत जरूरी है। मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ तो आप जल्दी आ जाइए। ओके बाय। सुनिए सुनिए, काट दिया। मेरे बॉस की फ्लाइट भी आज ही मिस होनी थी, हमारा कितना अच्छा वक्त बीत रहा था, लेकिन अब मुझे तूफान एक्सप्रेस जाना पड़ेगा। सॉरी सपना जी। लेकिन प्यारे लाल जी। प्लीज सपना जी। ठीक है पर मुझे एक प्रॉमिस कीजिए। क्या? कि आप शाम को 6 बजे मुझे आखमीचोली गार्डन के पास मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे आपके साथ मेरी फेवरेट पानी पूरी खानी है। ओके ओके
मैं फटाफट बिल पे करके आता हूँ। सर अरे आते रहिए सर। चले चलिए एक मिनट, आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप 6 बजे का प्लान कैंसिल नहीं करेंगे। अरे आपको मेरी कसम। ठीक है मैं 6 बजे आ जाऊंगा, अभी आप घर जाइए और मैं तूफान एक्सप्रेस जाता हूँ। चलिए देख रहे हो ना दोस्त, लाइफ दलदल जैसी हो गई, जितना निकलने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही फंसता जा रहा हूँ। अरे बाप रे, कल्पना के घर मुझे ब्लू टी शर्ट पहनकर जाना है, येलो टी शर्ट पहनकर गया तो गड़बड़ हो जाएगी। हेलो आप लोग पहुंच गए वहां? वहीं रुकिए, मैं भी बस पहुंच ही रहा हूँ, कल्पना के घर साथ में जाते हैं। आपको पता है अभी सपना के साथ क्या हुआ? ओके 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 बाय। बेटा चिंता मत करो, पोपटलाल जी समय पर आ जाएंगे, लगता है आ गए। चल आ। आइए ना। वेलकम वेलकम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और आप 5 मिनट लेट हैं। सॉरी। आइए आइए दामाद जी, हमारे घर पहली बार आए, आपका स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए ना आइए। आराम से आए ना, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आइए आओ बैठो बैठो। बैठिए ना बैठिए, आराम से बैठिए, आपको अपना घर है, बी कंफर्टेबल, बैठिए बैठिए। दामाद जी जब से आपने कल्पना से रिश्ते के लिए हाँ की है, कल्पना बहुत ज्यादा खुश है, और कल्पना से ज्यादा हम दोनों खुश है, और हम दोनों से ज्यादा कल्पना की बुआ बहुत खुश है। दीदी ये पोपटलाल जी है हमारे दामाद, और पोपटलाल जी ये हमारी दीदी है कल्पना की बुआ। प्यारे पोपटलाल भाई। पाई लागो, खुश रहो, लंबी उम्र हो, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। थैंक यू थैंक यू। जैसा नाम वैसा चेहरा, पंछी जैसा नाम और पंछी जैसी मासूमियत। वाह वाह छोटे, बहुत अच्छा दामाद ढूंढा है कल्पना के लिए। बड़े गुड्डे जैसे लग रहे हो। अरे जब मैंने गाल खींचा तो दर्द होता है, और कल्पना खींचेगी तो अच्छा लगेगा ना। बुआ T20 बैट्समैन है, सिक्सर पर सिक्सर मार रही है। थैंक यू वेलकम। छोटे दामाद जी का चेहरा देख के मुझे लगता है कि अपनी कल्पना को जीवन भर खुश रखेंगे। रखोगे ना दामाद जी? हाँ, हमारे पोपट भाई तो स्त्री की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, तो सोचिए अपनी पत्नी की कितनी इज्जत करेंगे वो। जो मेरी पत्नी होगी मतलब मेरी जो पत्नी होगी मतलब मेरी होने वाली पत्नी को खुश रखना मेरा फर्ज है। मैं आपकी पहचान करवा देता हूँ, ये हमारी अंजलि भाभी है, इन्हें तो आप जानती हैं, और ये कोमल भाभी, ये भी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में रहती है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दामाद जी आप हमारे घर आए, हमें बहुत खुशी हुई। हमें भी आपके घर आकर बहुत खुशी हो रही है। हम आपके लिए नाश्ता लेके आते हैं, कल्पना बेटा मेरे साथ आओ। नहीं नहीं रहने दीजिए, इसकी क्या जरूरत है। हाँ अरे क्यों जरूरत नहीं, अरे आप पहली बार हमारे घर आए, खातिरदारी का थोड़ा तो मौका दीजिए हमें। सपना और उसके परिवार की तरह कल्पना और उसका परिवार भी बहुत अच्छा है।
सपना के घर की तरह इनका घर भी बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, सबके विचार भी बहुत अच्छे हैं। सपना और कल्पना दोनों में से किसी एक को चुनने में मुझे बहुत मुश्किल होने वाली है। लीजिए लीजिए, नाश्ता दीजिए। खाइए खाइए, बीकानेर से मंगवाया है स्पेशली आपके लिए। बहुत अच्छा है। अरे दामाद जी, धीरे धीरे खाओगे तो नाश्ता कब खत्म होगा? हाँ पोपटलाल जी, आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? प्लीज खाइए। दामाद जी, खंडाला में हमारा फार्म हाउस है, ये संडे हम जाने का प्लान कर रहे हैं, आप भी आइए प्लीज। क्यों? हाँ ये जरूर आएंगे, आप आएंगे ना? हम सब आएंगे। नहीं नहीं, पहली बार आप चले जाइए, फिर बाद में हम सब जाएंगे साथ में। हाँ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा सुनिए, कल आप गोकुलधाम वासी फ्री रहिएगा। क्यों? कल पंडित जी हमें शगुन का मुहूर्त बताएंगे, तो हम शगुन भी दे रखेंगे। अच्छा। अंकल आंटी। अरे बेटा अंकल आंटी नहीं, अब हमें मम्मी पापा कहो। मम्मी पापा, तो अब हम चलते हैं। अरे इतनी जल्दी क्या है, खाना खा के जाइएगा। खाना? हाँ रुक जाइए ना प्लीज। ना प्यार से कहोगी तो मैं घर जमाई बन के रुक जाऊंगा। एक्चुअली कोमल भाभी के घर पर मेहमान आने वाले हैं, है ना कोमल भाभी? एब्सोल्युटली, घर में मेहमान आने वाले हैं। वो क्या है, मैंने कल्पना को देखा नहीं था ना, तो कल्पना को देखने आप सबसे मिलने सिर्फ उसके लिए आई थी। हाँ तो आना जाना तो होता ही रहेगा अगर रिश्ता हुआ तो। है? हाँ ये बात तो है। तो फिर हम सुनिए ना, मैंने ना आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, तो प्लीज मेरे साथ 2 मिनट के लिए आइए ना, प्लीज आइए ना। हाँ दामाद जी शर्माइए मत, जाइए जाइए जाइए, आइए ना। बहुत शर्मीले हैं हमारे पोपटलाल भाई, बहुत। आराम से, आराम से भी। ओके अभी एक अभी अभी और सीधा। अरे अरे कहाँ ले जा रहे? बस 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 थोड़ा सा, रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ अभी आंखें मत खोलिए ना, अब खोलिए आंखें। क्या बात है सुपर, कैसा लगा सरप्राइज? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी तो आपके लिए एक और सरप्राइज है। क्या? मैं ना आपके नाम का टैटू यहाँ पे कराऊंगी। नहीं 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 सपना जी, मेरा मतलब है कल्पना जी, सपने में भी ऐसा मत करना। नहीं 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 नहीं, मुझे तो टैटू करवाना है और मैंने तो 4 बजे का अपॉइंटमेंट भी ले रखा है। नहीं नहीं प्लीज, मैंने देखा है कि लोग जोश जोश में टैटू करवा लेते हैं और फिर बाद में अफसोस करते हैं। लेकिन मैं अफसोस नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये टैटू और आप जिंदगी भर मेरे साथ रहने वाले। लेकिन कल्पना जी मान लीजिए कि हम साथ नहीं रह पाए तो? अरे ऐसे कैसे नहीं रह पाएंगे, और कौन करेगा हमें जुदा? नहीं कोई जुदा नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ मान लीजिए कि ऐसा हुआ तो? अगर ऐसा हुआ भी ना तो मैं आपका जिंदगी भर इंतजार करूंगी। और पोपटलाल जी ना, मेरा ना सपना है कि हम दोनों की जोड़ी इतनी बेस्ट हो कि लोग कहे कि अगर प्यार हो तो पोपटलाल जी और कल्पना जैसा। हे भगवान, ये कल्पना जी मुझे कितना चाहती है, मैंने इन्हें अपना जीवन साथी नहीं चुना तो इनको कितना दुख होगा। और मैं आपके नाम का टैटू करवाऊंगी और आप मेरे नाम का करवा लेना। क्या? हाँ आपको मेरे नाम का टैटू करवाना ही पड़ेगा। हाँ, सोचते हैं चले।
चलिए सही तो अब चले चले बहुत अच्छा लगा आप लोग आए आते रहिएगा फिर अरे एक मिनट एक मिनट एक और सरप्राइज है अरे नहीं मैं तो ये कह रही थी कि आज शाम के 6 बजे आप मुझे आंख मिचोली गार्डन के पास मिल रहे क्या आंख मिचोली गार्डन 6 बजे क्यों क्योंकि मेरे ओरिजिनल प्लान के हिसाब से हम शाम के 6 बजे स्वीडी आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाने वाले थे 6 बजे तो सपना ने प्यारे लाल भाई के साथ आंख मिचोली गार्डन के पास पानी पूरी खाने का प्लान किया है नहीं नहीं आज नहीं आज मुझे थोड़ा काम है मुझे नहीं पता आपको आना पड़ेगा ऑलरेडी आपकी मीटिंग की वजह से आप मेरा आधा प्लान खराब कर चुके हैं अरे पर कल्पना जी मुझे नहीं पता आप आ रहे हैं अरे बेटा सुनो मेरी कल्पना को क्यों नाराज कर रहे हो अभी टाइम नहीं दोगे तो शादी के बाद क्या टाइम दोगे तुम्हें तो जाना ही होगा ठीक है हम जाएंगे पर 6 बजे नहीं 5 बजे 5 बजे क्यों नहीं 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 इट्स टू अर्ली अब हम 6 बजे ही जाएंगे दामाजी 6 बजे जरूर आएंगे वरना दामाजी को घर के बाहर जाने ही नहीं देंगे परफेक्ट कितना प्यार भगवान ये किस दुविधा में आप मुझे हर बार डाल देते हैं एक ही टाइम पे एक ही जगह सपना और कल्पना दोनों से एक साथ मिलना कैसे मिल सकता हूँ क्या सोच रहे हो आप हम जा रहे हैं ना प्रॉमिस प्रॉमिस थैंक यू अब चलें ओके बाय 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 नमस्ते बाय बाय अरे वाह पोपटलाल जी कितने अच्छे हैं जैसा मैंने जीवन साथी सोचा था उससे भी कई गुना अच्छे हैं तो भाई आंख मिचोली गार्डन के पास पोपटलाल का सपना और कल्पना से मिलना तय हुआ है लेकिन संयोग से एक ही समय पर अब संयोग देख रहे हैं संयोग से एक ही दिन पर पोपटलाल के लिए दो दो रिश्ते आए संयोग से दोनों रिश्तों की तरफ से हां भी हो गई थी कहीं संयोग से पोपटलाल को दो दो शादियां ना करनी पड़ जाए पोपटलाल तो कब से इस दो नाव की सवारी को छोड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी किस्मत कोई और ही खेल खेल रही है अब देखना यह है कि पोपटलाल इस सवारी का संतुलन कैसे बनाए रखता है लेकिन किसी एक कन्या को तो ना कहना ही पड़ेगा लेकिन वो होगा कैसे लव बर्ड गार्डन रेस्टोरेंट में सपना और कल्पना से मिलने का समय अलग अलग था इसलिए पोपटलाल बच गया लेकिन आंख मिचोली गार्डन के पास दोनों से मिलने का समय एक ही है कहीं आमना सामना हो गया तो पता नहीं क्या होगा भाई मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है लेकिन अगर यहाँ पर तूफान आएगा तो आपके घर पर हंसी और ठहाकों की बारिश ही होगी तो इस हंसी और ठहाकों की बारिश का आनंद लेने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए हंसते रहिए फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़